नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिस जो आया हुआ है फेज़ फोर के एग्ज़ाम के लिए आया है, CBT 1 के एग्ज़ाम के लिए। और ये नोटिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले समय में या फेज़ फोर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो चलिए, इस नोटिस को मैंने पहले से डाउनलोड किया है, हम देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। देखिएगा, एडिशनल डेट इन फेज़ फोर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फेज़ फोर में कितने तारीख से कितने तारीख तक एग्ज़ाम होगा। तो फेज़ फोर जो आपका होगा 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2021 तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें पहले 15 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना था। अब यहां पे एग्ज़ाम लिया जाएगा 16 लाख बच्चों का। अब यहां पे जो डेट रखा गया है फेज़ फोर का, वो देखिएगा 15, 16, 17, 27 और 1, 2, 3 मार्च। बाकी दिन एग्जाम नहीं होंगे, केवल 15 को होगा, 16 को होगा, 17 को होगा और 27 को होगा, और 1, 2, 3 मार्च को एग्ज़ाम होगा। उनका जो एग्ज़ाम सिटी है, एग्ज़ाम डेट है, वो डाउनलोड है, वो पहले से देख चुके हैं, उनका लॉगिन करके अभी चेक कर सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम इस डेट को होगा। बट एक और नया डेट को ऐड किया गया है, ठीक है। और ये आपको कब से लिंक दिया गया था, 5/2/2021 को 9 बजे रात में शायद ये लिंक दिया गया था, RRB के वेबसाइट पर सबको दे दिया गया। बट यहाँ पर जो एडिशनल डेट ऐड किया गया है, वो डेट ऐड किया गया यहाँ देखिएगा 22 फरवरी। अब 22 फरवरी को भी एग्ज़ाम होगा, मतलब 17 के बाद 22 फरवरी 2021 को एक और दिन को ऐड किया गया है, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम 22 फरवरी को होगा, उनका जो एग्ज़ाम सिटी है और एग्ज़ाम डेट है, उसके बारे में जानकारी कब दिया जाएगा, 11/2/2021 को, मतलब कल के डेट में शाम 5 बजे आपको ये जो नोटिस है ना, ये मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको मेल और मैसेज दोनों दिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको हो सकता है मैसेज नहीं दिया जाए, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कल शाम 5 बजे अपने एग्ज़ाम सिटी और डेट को लॉगिन करके, जो आपका रजिस्ट्रेशन ID होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उससे, ठीक है। और जिनका भी इस फेज़ में एग्ज़ाम होगा, 4 दिन पहले उनको एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जो भी देना होगा वो मिल जाएगा। लॉगिन करके आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हेल्प डेस्क रेलवे का है, वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, बाकी सब चीज़ें यही सब चीज़ें जो आप जानते हैं। और ये जो नोटिस आया 10/2/2021 को नोटिस आया, तो इम्पॉर्टेंट नोटिस है, कल भी एक डेट को ऐड किया गया। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हो। थैंक यू।